हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियोत्तम मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपने सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक, आचार्य चाणक्य जी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने इस उद्देश्य में बताया है कि हमको ऐसे मित्रों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जानते हैं उनके इस श्लोक के माध्यम से कि क्या उन्होंने इस श्लोक में, इस उपदेश में जो है क्या वर्णन से, ना विश्वसेत को मित्र चार, मित्र चार बिना विश्वसेत कदाचित को प्रीतम मित्रम सर्वम गुहम प्रकाशेत। अर्थात उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि हमको ऐसे मित्रों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उनके जितने उपदेश थे आज से 1000 साल पहले जितने उपयोगी थे, आज भी उतने उपयोगी हैं और आने वाले समय भी उपयोगी रहेंगे, क्योंकि जितने भी उनके उपदेश थे वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं और हमारे लाइफ में उपयोगी हैं। और हमको जो चीजें हमारे लाइफ में गुजर जाती है उनसे सावधान करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि हमको ऐसे मित्र, जैसे मान लीजिए कि आपके जो मित्र होते हैं, जैसे मित्र तो होते हैं मगर वो अंदर अंदर कुछ बातें अलग रहती हैं और जो है बाहर से कुछ बातें अलग रहती हैं, तो ऐसे मित्रों पे उन्होंने बताया है कि विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज इस श्लोक में उन्होंने ये भी बताया है उपदेश, उन्होंने जो है सच्चे और आपके जो हितैषी मित्र होते हैं उनको भी जो है उन्होंने बताया है कि इनसे भी सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे, जैसे मान लीजिए कि आप उनको जो है अपनी गोपनीय बातें बता देते हैं, तो आपको गोपनीय बातें बताने से रुकना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपसे अगर किसी कारण आप लड़ाई हो जाती है तो आपकी जो गोपनीय बातें हैं इससे आपको जो है अहित कर सकता है। जैसे बिजनेस की बातें हुई, घरेलू बातें हुई या मार्केट की कोई बातें हुई, तो इससे जो है आपकी अहित कर सकता है। तो इस श्लोक में हमको ये सीखने को मिला कि हमको ज्यादातर अपनी चीजें जो है बतानी नहीं चाहिए, मित्रता अच्छे से रखना चाहिए, मगर जो कुमित्र होते हैं उनसे आपको फ्रेंडली रहना है, अपनी जो है पर्सनल चीजें नहीं बताना है, विश्वास नहीं करना है कि उनके ऊपर आप विश्वास करने लगे या जरूरत से ज्यादा फेथ करने लगे। तो इस प्रकार से हमको ये सीखने को मिला कि हम अगर इस उपदेश को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है हम एक धोखे से बच सकते हैं। और इस टाइप के वीडियो, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, किसी और टॉपिक बात करना चाहते हैं उसको भी कमेंट करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। इसी के साथ ओके, थैंक्स।